Mandi नहीं चलेगी। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी हाय हाय। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी हाय हाय। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हाय हाय। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हाय हाय। मुबारक मंडी के दोनों गेट खोल दो। मुबारक मंडी के दोनों गेट एडमिनिस्ट्रेशन 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 हाय हाय। 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 गुंडागर्दी हाय हाय। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी हाय हाय। मुबारक मंडी के दोनों गेट खोल दो। मुबारक मंडी के दोनों गेट खोल दो। खोल दो। देखिए इसमें हम आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हमारे जो मुबारक मंडी के दोनों गेट हैं ये बंद कर दिए गए हैं और हमने अपना रोष डायरेक्टर मैडम के ऑफिस तक पहुंचाया है कि हम लोग जो यहां पे सफर कर रहे हैं वार्ड नंबर एक वार्ड नंबर दो खासतौर पे पखीडा की जो लोग 80% से ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है उनका कोई रास्ता नहीं है और वार्ड नंबर बाकी जो एक और दो के सराउंडिंग इलाके हैं उनका भी वही रास्ता है और आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमें एक चबूतरे में बंद कर दिया गया है। हमारी आवाजाही टोटल बंद कर दी। किस अधिकार के तहत इस गवर्नमेंट ने हमारे ये दोनों दरवाजे बंद किए क्योंकि महाराजा के टाइम भी कभी ये रास्ते बंद नहीं हुए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे ये रास्ते की तरह फ्री एंड फ्लो पब्लिक के लिए खोल दिए जाएं। अगर वहां पे कोई साइड पे पार्किंग करता है ऑलरेडी आपने वहां पे 5,000 का जुर्माना लगाया तो कौन बेवकूफ है कि अपनी गाड़ी लगाए। और इतना डिपार्टमेंट है ट्रैफिक डिपार्टमेंट है आपका अपना डिपार्टमेंट है आपने अपने वहां पे गार्ड लगाए हुए हैं तो चालान कीजिए। पर यहां पे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपको हमारा रास्ता खोल के देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। हमारा हक हम छीन के भी लेंगे और अगर आप बात से नहीं माने तो हमें छीनना भी आता है। 5 अगस्त है आज बहुत बड़ा दिन भी है और आप लोग सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेके क्या है सारा मतलब? हमें यही प्रॉब्लम है कि सारा जो दोनों गेट हैं हमारे ये बिल्कुल बंद कर दिए हैं। ये हम लोग जो हैं कि 200-250 साल हो गए हमें इधर रहते हुए बोलते हैं कि हेरिटेज हम लोग हैं जो जिंदा हैं जो पुरानी जैसे बिल्डिंगें हैं टूटी हुई जो इनसे रिपेयर नहीं हो रही उनका कोई रख रखाव नहीं हो रहा है वो नहीं देखते हैं। लोगों को कैसे तंग करना है कि अपने नाम कैसे बनाने हैं ऊपर यहाँ पे लोगों को हम काम कर रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं ये दिखाने के लिए लोगों के दोनों गेट बंद कर दिए हैं। ये इधर ना कोई सब्जी के लिए जा सकता है ना बच्चे स्कूल जा सकता अभी तो स्कूल बंद है। इस एरिया बंद करने के वजह से ये पूरा राउंडिंग जम्मू ईस्ट ये टोटली बंद है। जीवल से पुरानी मंडी से लेके परेड पक्का नंगा जैन बाजार सारे कनेक्टेड हैं इसके साथ अपर बाजार के सारे दुकानदार 3 दिनों से बिल्कुल बेले बैठे हुए हैं। इधर कोई नहीं आ सकता है ना जा सकता है बिल्कुल उनका दुकानदारी बंद हो गई है। सीधा सीधा सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि आज जन्मभूमि अब प्रधान मिनिस्टर हमारे वहाँ पे पूजन कर रहे हैं और हम सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं श्री राम की कृपा से दीपिका शर्मा से यही बोलूँगा कि आप अपना घर यहाँ खरीदो और रहो तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। जैसे आम जनता दुखी है कृपा करके अपने दिमाग को सोचो और दरवाजे खोलो और ये ना हो कि हम इनका ये दरवाजे तोड़ने पड़े हमें। हम अनुशासन में रहना चाहते हैं कि कृपा करके दरवाजे खोल दो अगर वहाँ गाड़ी लगती है आप चलान करो बस यही मेरी कृपा है आपसे। वार्ड नंबर एक वार्ड नंबर दो के यहाँ पर लोग हैं कुछ महिलाएं भी इनके साथ यहाँ पर आई हुई हैं प्रोटेस्ट में उनसे बात करती हैं कि वो क्या कहती हैं। ये आपका नाम? निधि। निधि क्या कहना चाहोगे आप? हम नंबर वन हम ये चाहते हैं कि दोनों गेट खोलें बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल। आप ज़रा आके रह के तो देखें तो आपको पता चलेगा कि एक आम जनता को कितनी दिक्कत आती है। मेडिकल इमरजेंसी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम 20-25 मिनट वेट करेंगे हो सकता है ज़्यादा भी करना पड़े ताकि कोई पुलिस वाला दिखे उसको बोलें कि भाई गेट खोल दीजिए क्योंकि हमने जाना है। आर वी प्रिजनर्स? और दूसरा अगर हमने ऑफिस जाना है काम पर जाना है ये हमारी रोज़ की रूटीन हो जाएगी कि दिन में आधा घंटा ऐड करें गेट खोलने के लिए गेट बंद करने के लिए। सो व्हाई यू क्रिएटिंग दिस हर्डल फॉर द पीपल? एक तो ज़िंदगी हमारी आसान करिए जो कि आपके इस गेट की वजह से मुश्किल हुई है और दूसरा हम चाहते हैं कि इंक्वायरी हो 582 करोड़ गया कहाँ। जनता की आंखों में इतनी धूल मत झोंको क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं हम रोज़ काम होते देख रहे हैं कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। एक इंक्वायरी कीजिए हमारी गवर्नर से अपील है जितना भी पैसा स्पेंड हुआ है टोटल कितना आया था कितना स्पेंड हुआ है उसकी इंक्वायरी हो। कितनी लकड़ी यहाँ से स्मगल हुई है उसकी इंक्वायरी हो। कितना पैसा यहाँ से ऑफिशियल्स ने खाया है उसकी इंक्वायरी हो। ये तो है वार्ड नंबर एक और दो के लोग जो वहाँ पर रहते हैं मुबारक मंडी और मांग कर रहे हैं दोनों तरफ से गेट खुलने चाहिए
और ये लोग इसीलिए आज सड़कों पर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस इलाके में जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। स्टेशन दीपिका शर्मा